7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, करोड़ों की आलिशान कार। सरफराज के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा यार। सरफराज के बारे में बहुत सी ऐसी बातें सामने आ रही है जो लोगों को नहीं पता, उनकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी बातें, जैसे कहाँ घर है उनका, परिवार में कौन कौन है, कितने करोड़ की संपत्ति उनके पास, कार कलेक्शन में उनके पास क्या क्या है। ये सारी बातें जैसी आपको पता चलेगी तो आपका सुनकर दिमाग घूम जाएगा। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि सरफराज के पास इतना सब कुछ है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सरफराज से जुड़ी सारी दिलचस्प बातें बताता हूँ। सरफराज का जन्म 22 अक्टूबर 1997 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। हालांकि उनकी फैमिली आजमगढ़ के सगड़ी तहसील से आती है, उन्हें आज भी जब भी समय मिलता है तो घर जाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से लगे पहले लॉकडाउन में पूरी फैमिली आजमगढ़ में ही थी। इस दौरान वह शहरों से लौट रहे लोगों की मदद करते देखे गए थे। सरफराज खान, उनके पिता नौशाद और पूरी फैमिली रमजान के पाक महीने में खाना और पानी बांटते नजर आए थे। उनके पिता नौशाद क्या करते हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन है। सरफराज ने अपना अधिकांश बचपन आजाद मैदान में बिताया, जहां उसके पिता और कोच नौशाद क्रिकेट की ट्रेनिंग देते थे। नौशाद का सपना भारत के लिए क्रिकेटर बनने का था, लेकिन वह नहीं बन सके। उन्होंने अपना सपना बेटे में देखा और फिर ठान लिया नया लक्ष्य और उसे पूरा भी किया। सरफराज के पिता एक क्रिकेट अकादमी चलाते हैं जहां वह बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। उनकी मां तबस्सुम हाउसवाइफ है। सरफराज और उसके भाई मुशीर और माइन खान को उनके पिता ने ही प्रशिक्षित किया है। बता दें कि IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके इकबाल अब्दुल्ला भी नौशाद की कोचिंग में खेले हैं। उनकी वाइफ कहाँ से है? कश्मीर में सरफराज खान का ससुराल रोमाना है उनकी वाइफ। सरफराज खान ने पिछले साल 6 अगस्त को रोमाना जहूर से निकाह किया था। उनकी यह शादी कश्मीर में सोफिया जिले के पशपोरा गांव में हुई थी। अचानक हुई शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो इसके बारे में पता चला। उनका IPL करियर अभी तक कैसा रहा? सरफराज खान ने IPL 2015 में RCB के लिए अपना IPL डेब्यू किया था। विराट कोहली की कप्तानी में हैदराबाद के खिलाफ खेली गई नाबाद 35 रनों की पारी से चर्चा में आए। हालांकि टीम ने उन्हें रिलीज किया तो वह बॉलीवुड स्टार प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किंग्स में शामिल होने से पहले वह 2018 तक रेड आर्मी का हिस्सा थे। IPL 2022 के बाद वह दिल्ली कैपिटल्स कैंप में चले गए और IPL 2024 में उसी फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने IPL में 50 मैचों में 585 रन बनाए हैं, जबकि एक हाफ सेंचुरी शामिल है। इनकम सोर्स कौन-कौन सा है? करोड़ों की संपत्ति के मालिक। भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने से पहले ही सरफराज खान करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज खान की नेटवर्थ करीब 6 से 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 26 साल के सरफराज खान IPL से जमकर कमाई करते हैं। साल 2015 से 2023 तक उन्होंने IPL के जरिए 5,65,00,000 रुपए बतौर सैलरी हासिल किए हैं। जहाँ तक कार की बात है तो उनके पास रेनो डस्टर और ऑडी कार है। ऑडी कार का कौन सा मॉडल है ये तो नहीं पता। तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।